अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले चाहने वाले सब ठीक होंगे। वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग अनदर वीडियो। आज है जी जुम्मत मुबारक का दिन और सीन ये है जी कि मैं ऑफिस से आ गया हूँ, अपने स्टाफ पे उतरा हूँ और अभी मैं फ़्रेश होके जाऊँगा, जुमा पढ़ूँगा। अब मैं निकलूँगा घर के लिए, फ़्रेश होकर फ़ौरन से जुमा पढ़ूँगा, उसके बाद फिर बाकी की रूटीन। और आज का ब्लॉग आपने पूरा देखना है क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं जी जुमा पढ़ते पर। बच्चों से इसे अपेक्षा करवाया, बेटा आज मैं तुम्हारे उस्ताद की निशानी देखी है, तुम्हारे उस्ताद की निशानी पर वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जुमातुल मुबारक की नमाज़ पढ़ के मैं आ गया हूँ वापस। और एक सबसे ज़रूरी बात कि जुमातुल मुबारक वाले दिन, क्योंकि ये हफ्ते के सातों दिनों में से एक अफजल तरीन दिन है, तो इस दिन ज़रा से ज़्यादा हज़ूर नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जितना हो सके दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया करें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब फ़ोन शोन करने हैं और एक मिशन है वो पूरा करना है। तो अगर तो सारे मामला ठीक तरीके से हो गए तो वो होगा, नहीं तो फिर खाना खाने के बाद मैंने फिर जाना है हॉस्पिटल, आइज़ का चेकअप करवाना है क्योंकि मैंने लेज़र करवाया था। तो रेगुलरली 2-3 माह के बाद अपना चेकअप वगैरह करवाता हूँ, साथ में कुछ मेडिकेशन वगैरह की ज़रूरत हो तो वो भी करवा लेता हूँ। उसके बाद फिर शाम को होगी आज की एक ज़बरदस्त रूटीन, एक ज़बरदस्त डील। इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस ब्लॉग। मिलते हैं कुछ देर के बाद। वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। नमाज असर का वक्त हो गया और वो मैं पढ़ ली है मैंने, और अब मैं जाने लगा हूँ नाखन काटने। नाखन काटने के बाद मैंने जाना है हॉस्पिटल, आइज़ का चेकअप करवाना है, फिर वापस आऊँगा, फिर शाम को फिर निकलूँगा बाहर। सबसे ज़रूरी बात तो मैं बताना रह गया, वो मैं एंड पे बताऊँगा क्योंकि आप ब्लॉग पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो जुड़े रहिएगा साथ, मिलते हैं कुछ देर के बाद। वालेकुम जी, वेलकम बैक। मैं हॉस्पिटल से होया हूँ वापस और अलहमदा कोई सीरियस मसला नहीं है। डॉक्टर ने मुझे ड्रॉप्स लिख के दिए, उन्होंने कहा जी थोड़ा बहुत जो आपको पेन वगैरह या कोई खारिश वगैरह का इशू है वो हो जाएगा हल। मगरब हो गई, नमाज़ पढ़ ली है। अब मुझे फ़ोन आया थोड़ी देर पहले हैरी भाजी का कि यार आज निकलते हैं बाहर, खाना छाना खाएँगे, फिरेंगे तुरेंगे, मौज मस्ती हल्ला गुल्ला करेंगे। तो अभी मैं जाने लगा हूँ घर। मैंने कहा यार घर जा कर मैं सिचुएशन दे के आपको करूँगा फ़ोन, आप रहना रेडी और हम जाएँगे बाहर। अभी मैं जाने लगा हूँ घर, तो वहाँ से फिर फ्री होके जैसे ही आधे पौने घंटे तक तो हम निकलेंगे बाहर, अलग अलग करेंगे। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्लॉग को मुकम्मल देखिएगा। मिलते हैं कुछ देर के बाद। अरे शर्म कर, तू मेरा चैनल रिपोर्ट करेगा की मसला, मैं कहड़ी चप्पल मारी दस की क्या यार, मतलब वीडियो जड़ी होंदी है ना हरकतां, तू ब्लॉग दे विच पा लेना केड़ी वीडियो, केड़ी वीडियो मैं ब्लॉग दे बाद दसांगा। दस दसांगा मोटरसाइकिल ले यार, मोटरसाइकिल नहीं है भाई, जल्दी लेके आ। तो माशाल्लाह नो मोटरसाइकिल नंबर, मोटरसाइकिल जे 1,32,000 दी लईए, जल्दी ले आवे। या वैसे है तो साफ नहीं फ्राइज, है तो बंद है फ्राइज, बंद है नहीं लईया कि फिर ले जा नहीं, ये साफ है, इनू मुंह नहीं लगा, वो दूसरे खोल गए भाई ने माशाल्लाह लेके आया, तो मोटरसाइकिल के नाल लटकाया और भूल गया। और बिल्लियां इत्थे 2-3 है ने, तो उन्होंने फाड़ दिता वा नीचे, बर्गर जड़ा वो गिरया पे, लेकिन फ्राइज पैक सी वो लै गया वापस। अच्छा हूँ भाई साहब जड़े ने ना वो जिद ने कि जी मैं बाहर जाना और चाय पीनी बाहर, आज जुमा जी की कह सकते यार, एक ही लंगोटिया भाई है तो उनकी गल टाल नहीं सकते, तो इसलिए हूँ मैं अद्धे घंटे का डेडलाइन कर दे के सिर्फ चाय पीन भाई नाल मैं चला बाहर।
ਚੱਲ ਹੁਣ ਪਲਾ ਦੇ ਚਾਹ ਚਾਹ ਬਸ ਪਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਲਾਣੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਰਲ ਮਾਹੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਲਾਣੀ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਰਸਤੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭਰਵਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਆਲਾ ਜੀ ਚਾਹ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 320 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਾਉਂਦਾ ਵਾ 320 ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਕੇ ਯਾਰ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਭਾਈ ਪੰਚਰ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਅਲਬੈਗ ਦਾਰਲ ਮਾਹੀ ਅਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਾ ਮਛਲੀ ਫਿਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਹੀਵਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਲਬੈਗ ਦਾਰਲ ਮਾਹੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀ ਨਾ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਆ ਲੋ ਜੀ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪੀਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਨਸ ਭੱਜ ਕੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਸੁਣਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਯੂਥ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਝੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ ਵਹੀ ਆਪਣਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਖਾ ਲਈ ਆ ਆਪਕੋ ਵਹੀ ਬਚਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਵਾਂ ਖਾਓ ਪੀਓ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਉਜਾੜੀ ਜਾਓ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਹਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਲੰਗੋਟੀਆ ਆਪਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੰਗੋਟੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸਕੇ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੇ ਵੋ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੋਂ ਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼